सर आप कुछ बताइए, जितना कहा कि कितना नर्वस रहती थी, किस तरह से आपने उनको हेल्प किया? एक्चुअली हर्षिता का मेन प्रॉब्लम एनजाइटी, जो आप अभी देख सकती होंगी सबसे सबसे बड़ा प्रॉब्लम इसका यही है मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब जब मुझसे इसकी बात होती थी, बस इसलिए बात होती थी कि सर स्कोर कम आ रहा है, तो मैं इसे समझाता था क्या अभी आया, हमेशा आता था, बोले अभी आया, तो आई टोल्ड हर दैट इट डजंट मैटर। वन एक टेस्ट कभी डिसाइड नहीं कर सकता है कि आपका फाइनल क्या होने वाला है। सो चिल रहो, पेपर का आप लेवल चेक करो, इज इट रियली डिफिकल्ट देन द प्रीवियस वन। सो ऐसा हो सकता है कि पेपर टफ हो, इस वजह से मार्क्स, और सबका गिरा, तो इसका जवाब होता नहीं, रैंक तो वही है, बस मार्क्स गिरा है। मैं बोलता था फिर इसमें गलत क्या है। पेपर के एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पेपर डिफरेंट होते हैं, तो हम लोग भी जब टेस्ट करते हैं ना, तो पेपर के लेवल्स को अप एंड डाउन करते हैं। तो होता है क्या, बच्चे, एग्जामिनेशन इज नॉट अबाउट मार्क्स, इट्स ऑल अबाउट मेंटल कंडीशन। आप कैसे उस 3 आवर्स के पेपर को कैसे आप डील करते हैं मेंटली। सो सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता, एग्जामिनेशन को कैसे फेस करना ही बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को कभी इजी देते हैं, तो इजी के साथ क्या होता है, पेपर आसान होता है तो उन्हें लगता है कि बहुत सब कुछ आसान है, तो जल्दी करना, उस समय क्या होता है उनका एक्यूरेसी खराब होता है। मोस्ट ऑफ जिनका नहीं होता वो अच्छा स्कोर करते हैं। कभी हम टफ करते हैं, टफ करने से क्या होता है कि वो थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है, मार्क्स कम आ रहा है, तो क्या होता है कि वहां पे हम चेक करते हैं कि कौन कितना स्टेबल रहता है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। अगर पेपर टफ है तो अपने आप को मेंटली स्टेबल रखकर वो कैसे उसको अटेम्प्ट कर रहा है, और अगर पेपर आसान है तो अपना एक्यूरेसी नहीं खराब कर रहा, अभी भी एक्यूरेसी उसकी मेंटेन है, तो अच्छा करेगा। तो ये हर एक लेवल पे स्टूडेंट को चेक किया जाता है।